गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 7, टाइम गोज ऑन। दिस इज अ क्लॉक, इट हैज टू हैंड्स, आर एंड मिनट, एंड वन मोर हैंड इज देयर, दैट इज अ सेकेंड हैंड। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट्स सेकेंड, मिनट एंड आर। ओके, सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, देन मिनट, देन आर। नाउ मूव टू द हैंड्स। द मिनट हैंड इज अ लॉन्ग वर्ड एंड मिनट हैंड इज अ लॉन्गर हैंड। ओके, इट टेल्स अस अबाउट द मिनट्स, एंड द आर हैंड इट टेल्स अस अबाउट द आवर्स। वी हैव 12 नंबर्स इन अ क्लॉक, बट इन डे वी हैव 24 आवर्स। दैट मीन्स जो आर हैंड है दिन में 2 राउंड्स लेती है, तब क्या बन जाते हैं 24 आवर्स। ओके, क्योंकि दिन में 2 टाइम्स 1 o'clock होते हैं, 2 टाइम 3 o'clock होते हैं ना, तभी तो 2 राउंड्स लेती है, तब क्या बन जाते हैं 24 आवर। द हैंड्स ऑफ टाइम, देखो द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड एंड द शॉर्ट हैंड इज द आवर हैंड। शॉर्ट हैंड अभी एट प्रेजेंट इट इज इन द 3, और जो लॉन्गर हैंड है वो 12 पे, दैट इज इट इज 3 o'clock। अगर जो शॉर्ट हैंड है वो 4 पे आ जाएगा, और जो लॉन्ग हैंड की पोजीशन वही है सिंपल, अगर हमने 4 o'clock 5 o'clock बताना है तो क्या बन जाएगा ये 4 o'clock। क्लियर? अगर हम इसको करें ये 5 पे तो बन जाएगा 5 o'clock। अगर ये जो शॉर्ट हैंड है 6 पे आएगा, तो जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है, इट्स 6 o'clock। ओके, ये तो हो गया सिंपल टाइम। नेक्स्ट है हाउ वी नो अबाउट द मिनट्स। इसके लिए हमें किसका टेबल लर्न करना पड़ेगा? 5 का। 5 का देखो, यहाँ 3 o'clock, अब यहाँ पे 5, 10, 2 पे 10, 3 15, 20, 25, 6 पे 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 1 hour इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। ओके, इट्स 3 o'clock। अगर यहाँ पे जो आर हैंड है हमें बताती है आवर्स के बारे में, शॉर्ट हैंड टेल्स अस अबाउट द आवर्स। अब यहाँ पे अगर ये वाली 12 की प्लेस पे यहाँ पे 1 पे आ जाएगा तो इट्स 3 5। ओके, अगर यहाँ पे ये 3 पे है, अगर ये 2 पे आ जाएगा इट्स 3 10। ओके, अगर ये नेक्स्ट 3 3 पे आ जाएगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 कितना आएगा हमारे पास, 3 15। सेम एज 3, देन कितना आ जाएगा 6 पे, 3 30। ओके, इसी तरह 3 का टेबल, 5 का टेबल सॉरी चलता जाएगा, तो हमें क्या पता लग जाएगा मिनट्स के बारे में। नेक्स्ट देखो, व्हेन द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू 12 एंड इट टेल्स अबाउट ओ क्लॉक, दैट मीन्स आर हैंड इज पॉइंटिंग टू 3, इट्स 3 o'clock। When the minute hand is pointing to 12 and the hour hand is pointing to 5, it's 5 o'clock. Now the important part is our clock is divided into 4 quarters. Suppose एक simple circle है, उसको हमने equal बराबर भागों में 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 quarters में बांट दिया। Quarter का meaning होता है हमारे पास 15. तो every quarter में हमारे पास कितने minutes है, how many minutes? 15 मिनट्स। कितने मिनट्स हैं? 15 मिनट्स। हर क्वार्टर में हमारे पास कितने बन जाएंगे? 15। अब 15 को 4 बार प्लस करोगे तो टोटल हमारे पास बन जाएगा 60। अब आपको इसमें क्या लर्न करना है कि क्वार्टर में कितना होता है 15, क्वार्टर में 15। ओके, तो नेक्स्ट देखो, अब देखो क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर का मीनिंग आपको पता लग गया, क्वार्टर मीन्स 15 और पास्ट मीन जो बीत गया। अब हमने क्वार्टर पास्ट के बारे में बताया जो ऑलरेडी बीत चुका है। सपोज अब क्वार्टर का यहाँ पे मीनिंग हुआ, अगर हमारे पास यहाँ 3 और यहाँ पे बन जाएगा फिर 3 15, करते हैं 3 15, तो दैट मीन्स क्वार्टर पास्ट 3, दैट इज द अनदर वे ऑफ टेलिंग टाइम। सिंपल हमें पता है 3 15, 4 15, 6 15, बट दिस इज द अनदर वे ऑफ टेलिंग टाइम, क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट 3 मीन्स 3:15 हो गए, तो उसके 15 मिनट पास्ट बीत गए। ओके, नेक्स्ट देखो,
ये क्लॉक कंप्लीट है तो इसके कितने मिनट है, 60 मिनट्स। हाफ का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, 60 का हाफ कितना हुआ 30, तो 6 तक हमने कितना टेबल किया था 5, देन 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे कितना आया था हमारे पास 30, दैट मीन्स हाफ का मतलब क्या हो गया हमारे पास 30, क्वार्टर मीन्स 15, हाफ मीन्स 30, ओके। पास्ट का मीनिंग है बीत गया। नेक्स्ट है क्वार्टर टू, मीन्स अभी जब हम क्वार्टर टू करेंगे दैट मीन्स अभी नेक्स्ट, अगर हम बोलते हैं ना समटाइम्स टाइम ऐसे बोलते हैं 7:10 है, दैट मीन्स 6:45, 15 मिनट्स हैं तो क्या बोलेंगे 6:45 नेक्स्ट वाले आर के बोल देंगे। नेक्स्ट देखो अब टर्न बाय टर्न एक एक को लर्न करेंगे। फर्स्ट देखो ये तो सबको पता है फाइव, अब मैंने क्या बताया था जो क्वार्टर है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमारा जो इतना पार्ट है ये डिस्क्राइब करता है हमें पास्ट जो बीत गया है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हाफ, 6 पे आके हाफ पास्ट। नेक्स्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू कि नेक्स्ट वाला आर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट वाला आर बोलते हैं क्वार्टर टू। अब देखो टर्न बाय टर्न इजीली टू थिंग्स यू हैव टू लर्न टुडे, दैट इज क्वार्टर पास्ट एंड हाफ पास्ट। व्हेन द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू 3 एंड द जो हमारा आर हैंड है पॉइंटिंग टू 7, इट्स 7:15, ओके। दैट मींस क्वार्टर पास्ट 7, ओके। अगर हमारे पास ये कितना आ जाए, अगर ये हो 6 पे तो कितना आ जाएगा क्वार्टर पास्ट 6, ओके। अगर हो 5:15 क्वार्टर पास्ट 5, 3:15 क्वार्टर पास्ट 3, मतलब 3:15 हो गए वो बीत गए, पास्ट मीन्स बीत गए। 8:15 क्वार्टर पास्ट 8, 9:15 क्वार्टर पास्ट 9, ओके। इसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि इसमें मैच करना है, ओके। नेक्स्ट देखो हाफ पास्ट, अब क्वार्टर का मतलब हो गया 3:15, 4:15, 5:15, अब आ जाएगा हाफ। हाफ का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, हाफ आधा हो गया, दैट मीन्स 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 30 यहाँ पे क्या आ गए हाफ। तो अब देखो 2:30, जब टाइम होता है 2:30 हम क्या बोलते हैं हाफ पास्ट 2, 4:30 हाफ पास्ट 4, मीन्स इस साइड पे हमने वर्ड क्या यूज करना है पास्ट, क्या वर्ड यूज करना है पास्ट, जहाँ पे 4:30 हाफ पास्ट 4, 8:30 हाफ पास्ट 8, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब देखो सम क्लॉक्स आर देयर हाफ पास्ट 2, ओके। नेक्स्ट है हाफ पास्ट कितना आ जाएगा, ये है 8 पे तो कितना आ गया हाफ पास्ट 8, ओके। नेक्स्ट देखो ये है 6 पे, इतने में मैंने क्या बताया था आपको क्या यूज करना है, 6 पे आके कितना आ गया 30, ओके। तो यहाँ पे कितना हाफ पास्ट 9, 4:30 हाफ पास्ट 4, यहाँ पे 11 पे और ये 6 पे हाफ पास्ट 11:30 और ये कितना हुआ 6:30 हाफ पास्ट 6, ठीक है। 6:00 कितने हो गए 30 मिनट्स, मीन्स 6:00 के 30 मिनट्स क्या हो गए पास्ट बीत गए, क्लियर। कि आपको क्या क्लियर हुआ, एक क्वार्टर पास्ट और हाफ पास्ट। क्वार्टर का मीनिंग होता है 15, हाफ का मतलब होता है 30, आधा 60 का हाफ कर दिया 30, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले आप टू अच्छे से करोगे, इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे। अ क्वार्टर टू, क्वार्टर टू अभी इस लाइन में आफ्टर 6 हम क्या करेंगे क्वार्टर टू, टू यूज करेंगे वर्ड। वी से दैट द क्वार्टर टू हियर द क्लॉक शोज 4:45, दैट मीन्स 4:45 मीन जो 5:00 होने को हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट, 15 मिनट्स आर लेफ्ट। जब हम इसके लिए यूज करते हैं हम क्या वर्ड यूज करते हैं क्वार्टर टू, 4:45, 3:45, 6:45, कोई भी इस लाइन के जो वर्ड्स हैं हम क्या यूज करते हैं क्वार्टर, ठीक क्वार्टर टू।
पास्ट का मीनिंग होगा बीत गया और इधर हम क्या वर्ड यूज करेंगे टू के। नेक्स्ट है देखो, फर्स्ट है क्वार्टर टू फोर, यहाँ पे कितना होता है वन टू थ्री फोर, फोर होता है ना, क्वार्टर टू फोर, ओके क्वार्टर टू फोर दैट मीन्स 3:45, मीन्स जब भी 3:45 है कि 15 मिनट्स अभी हमारे 4 o'clock होने को रहते हैं। पास्ट का मतलब होता है बीत गया, टू मीन्स रहते हैं अभी, अभी यहाँ पे कितना आ गया 3:45 क्वार्टर टू थ्री, यहाँ पे कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट क्वार्टर टू टू, क्वार्टर टू टू 1:45 के, देखो फर्स्ट वाले में क्वार्टर टू फोर, देन क्वार्टर टू टू, यहाँ पे कितना हमारे पास 6:15 क्वार्टर पास्ट सिक्स के, क्वार्टर टू टू, यहाँ पे इस साइड के हमने ये वर्ड यूज किया टू। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कितना होता है 4:15 क्वार्टर पास्ट फोर के, यहाँ पे कितना टाइम है 7:15 क्वार्टर पास्ट सेवन, 7:15 क्वार्टर पास्ट सेवन, क्वार्टर टू सिक्स दैट मीन्स इस साइड के लिए हमने वर्ड यूज किया टू के। नेक्स्ट है 9:15 क्वार्टर पास्ट नाइन, और यहाँ पे है क्वार्टर टू ट्वेल्व, क्वार्टर टू ट्वेल्व 11:45 के। होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू।